फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मतलब कि ये आइसक्रीम जमाने वाली आइसक्रीम ट्रे, इसमें आपको जो भी आइसक्रीम जमाए हैं वही जमा सकते हो। आइसक्रीम, आइस कैंडी, बाकी क्रीम वाली, चॉकलेट वाली, जो वाली क्रीम आपको जमाने जमा सकते हो। तो ये वाले कटर उन लोगों ने भेजा था, ठीक है। यहाँ पे हमको दो पीस देखने को मिला है, और इसमें एक में जो है वो 6 पीस है, ठीक है। और इस उधर जो है इसमें भी 6 पीस है। इसको आपको यूज कैसे करना है बता देती हूँ। इसका ढक्कन है यहाँ पे डालेंगे, और ढक्कन को इसे प्रेस करेंगे, और जैसे किया है इसमें डाल देंगे, और इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में, और ये जम जाएगा। और यहाँ पे हमको टोटल 12 पीस मिला है, और जो भी सिर्फ हमको मिला है 216 रुपये में, ठीक है। तो देख सकते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चिपे से 216 रुपये में मिला है, तो आप ले सकते हो इसे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हमने 40 रुपये का चॉकलेट लिया है दुकान से। अभी हम इसका आइस कैंडी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मिक्सी, अभी हम सबसे पहले बनाएंगे ये पल्स वाली चॉकलेट को। तो इसमें से हम 10 पल्स की चॉकलेट को फाड़ के इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 11 चॉकलेट को फाड़ के ले लिया, 11 चॉकलेट डाला है। और यहाँ पे 2 चम्मच चीनी है, इसको डाल देते हैं। अब इसको पीस लेते हैं। पे इसका मतलब कि सेकेंड भी लगा, 10 सेकेंड में, 4 सेकेंड में इसका फाइन पाउडर बन गया। चलिए इसे बनाते हैं। जितना भी ये है सबको एक बाउल में अच्छे से निकाल लीजिएगा। मिक्सी में इसमें जो भी लगा है, इसमें पानी लगा करके सबको इसमें डाल देना है। इसमें पानी डाल के इसमें डाल देंगे अभी हम लोग। पानी डालो, पानी डाल के इसको मिला ले, इसमें नींबू का रस गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे थोड़ा सा, बस हो गया, मिक्स कर दो। अब चलिए, अब इसे जमने के लिए रेडी किया जाए, इसे अब जमाने के लिए अच्छे से डाला जाए, एकदम अच्छे से थोड़ा थोड़ा डालो बस। चारों में भर दिया। अगर आप चाहते हैं तो इसमें कलर भी मिला सकते हैं, लेकिन हम लोग कलर नहीं मिलाएंगे। कलर मिलाने को मिला सकते हैं, अभी हम 2 में कलर मिला देंगे और 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे और सुबह खाएंगे आराम से। जो चॉकलेट है पार्ले का ऑरेंज वाला, ये आपको 1 रुपया में चॉकलेट हमको 2 मिला है। और यहाँ पे हम 5 चॉकलेट डाल के इसे 1 चम्मच चीनी देके इसे पीसेंगे, ठीक है। डाल देंगे, अब इसे पीस लेते हैं। ऑरेंज कितना सुंदर ऑरेंज, ऑरेंज कम कुछ। अब इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिला लेना है, ठीक है। बस हो गया, पीला वाला कलर मिला दिया है। चलिए इसे भर लेते हैं। देखिए कलर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। मेरे पास यहाँ पे था तो हमने डाल दिया, नहीं है तो मत डालिए, नो प्रॉब्लम, डाल दो, इसमें भी डाल दो, डाल दो ना उसमें, क्या फेंक देगा, पी लो पी लो। इस प्रकार से इसका ढक्कन है, उसको बंद कर देना है अच्छे से दबा करके। हम चलते हैं फ्रिज में रखने के लिए। यहाँ पे रखना है, नीचे नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीजर में हो गया, अब मैं इसे सुबह खोलूंगी। आइसक्रीम बनके तैयार है, देखिए।